मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा ये आपकी एक ड्राइंग बुक है और ये वीडियो भी ड्राइंग बुक के लिए ही है। तो सबसे पहले अपन करेंगे, आज क्या बनाना बताऊँ, बताइए। सबसे इजी, देखिए, ओपन योर ड्राइंग बुक। और कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। गोला बनाना तो सबको आता है, ऐसा हल्का छोटा सा गोला आ जाएगा बेटा। तो छोटा सा नहीं बना के अपन बनाएंगे, थोड़ा बड़ा गोला, कैसा भी, जैसा आपसे बने वैसा ही। ये थोड़ा बड़ा गोला बना दिया और इसके यहाँ पे आके ये थोड़ा सा ऐसे करना है। बना दिया, वेरी गुड। और अब एक लंबी लाइन बनानी, क्या बन गया, बलून। ठीक है, गुब्बारा बन गया ना। अब इसके ऊपर अपन कलर करेंगे। कलर भी कैसा भी कर सकते हैं, कोई से भी कलर का बलून हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे वो कलर आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे कलर करना है। देखिए बेटो, ये पेंसिल कलर है ऑरेंज। आप क्रेयॉन्स भी ले सकते हैं, वैक्स कलर भी यूज़ कर सकते हैं और आप पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। स्केच पेन नहीं यूज़ करना है। और कलर करने के लिए सबसे पहले ये जो अपन ने पेंसिल से ड्रॉ किया है उसके ऊपर आउटलाइन करेंगे, ताकि अपन दोबारा जब कलर करना अंदर स्टार्ट करें तो अपना कलर बाहर नहीं जाए। ठीक है बेटा, सर्कल बनाना बहुत इजी है और बैलून तो किसी भी शेप में हो सकता है। डोंट यू वरी, आराम से बनाइए और ड्राइंग एंजॉय कीजिए। चलिए, ये बना दिया अपन ने सर्कल, आउटलाइन हो गई। अब इसमें धीरे धीरे पेंसिल को एक ही पैटर्न में मूव करेंगे। ये देखिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए और फटाफट फटाफट पेंसिल बैलून तो हो गया हमारे ऑरेंज कलर का। अब इसका थ्रेड थोड़ा सा और बेटा अच्छे से कलर, डार्क कलर कर दीजिए ताकि कॉपी का वाइट पेज नहीं दिखे। पर पूरा ध्यान रखना है अपन को कि बैलून अपने कलर अपने सर्कल से बाहर नहीं जाए। ये जो अपन ने बैलून का सर्कल बना रखा है उससे बाहर नहीं जाए। ओके, अब ये हो गया अपना ऑरेंज कलर का बैलून। अब इसका जो ये बांधने वाला पोर्शन है इसको भी हम ऑरेंज ही करेंगे और इसके साथ हम थ्रेड लगाएंगे। वो कौन से कलर का होगा, धागा, जो इसकी लंबी डोर है इसको क्या कहते हैं बेटा, थ्रेड। अब ये अपन कौन से कलर से करेंगे, ब्लैक कलर से। यहाँ से देखिए, हो गया बैलून, बैलून रेडी। ओके, ये भी ड्राइंग आपको बनानी है। बाय।